नगर निगमों की सीमांकन के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को कोर्ट की ओर से तगड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर न सिर्फ स्टे दिया है बल्कि सरकार को 2 सप्ताह में पूरे मामले में जवाब देने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने पार्षद दिलीप शर्मा और भारत पारक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा कलेक्टरों को अधिकृत कर शुरू की गई सीमांकन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब इंदौर के बांस और नैनौत गांव को शामिल करने के साथ प्रदेश भर में सीमांकन प्रक्रिया भी रुक गई है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया था कि सीमांकन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं हुई है, वहीं याचिकाकर्ताओं ने शासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को गलत करार कर दिया है। शासन ने इंदौर नगर निगम में शहर के आसपास के 29 गांवों को शामिल करने के बाद इन 2 गांवों को भी नली में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 23 फरवरी 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी करके नगर पालिका और नगर निगमों की सीमा को छोटा बड़ा करने का अधिकार कलेक्टर को दिया था। उसको चुनौती देते हुए हमने ये कहा था कि ये अधिकार माननीय राज्यपाल जी का है, जिनके संज्ञान में लाए बिना इस प्रकार की कार्रवाई करना संविधान के और नियमों के विपरीत है। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर इंदौर की नगर निगम सीमा को भी बढ़ाने का काम कलेक्टर ने नोटिफिकेशन जारी कर शुरू किया था, जिसमें ग्राम बांक और नैनौत को नगर निगम सीमा में शामिल करने की कार्रवाई शुरू की थी। हमने इसको असंवैधानिक होने के आधार पर चुनौती दी थी, जिस पर 5 तारीख को सुनवाई हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि उस नोटिफिकेशन जिससे कलेक्टर को अधिकार दिए गए थे और बांक नैनौत को शामिल करने का जो नोटिफिकेशन कलेक्टर ने जारी किया था, उस पर स्टे दिया गया है और सरकार को विस्तृत जवाब देने के लिए अवसर देते हुए दिसंबर में तारीख लगाई है।